मध्य प्रदेश के सीधी जिले में रातों रात 1 किलोमीटर लंबी सड़क चोरी हो गई। सुबह उप सरपंच और गांव वाले पुलिस थाने में शिकायत करने पहुंचे। पूरा मामला भ्रष्टाचार से जुड़ा है। जिला मुख्यालय से 55 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत में रखा है। ग्रामीणों ने बताया ग्राम पंचायत ने उनके गाँव में 2017 में पहले मुरम वाली सड़क बनी थी। इसके करीब 4 से 5 महीने बाद 10 लाख रुपए की लागत से यहां सीसी रोड बना दी गई, लेकिन यह सब कागजों में बनती रही। हकीकत में यहां दूर दूर तक सड़क के नामो निशान नहीं है। ग्रामीणों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज करने को लेकर आवेदन दिया है। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के कुमिहार रोडा गांव के मोड़ पर गुरुवार सुबह पूर्व सरपंच की निर्मम हत्या कर दी गई। वारदात को चुनावी रंजिश में अंजाम दिया गया। पूर्व सरपंच रोडा पटना के कुमी गांव निवासी पूर्व सरपंच मनोहर लाल गुट्टी शर्मा अपने परिवार के साथ शादी समारोह में शामिल होने दमोह जा रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने हमला किया और जेसीबी से उनकी कार पलट दी। इसके बाद उनके सिर में गोली मार दी। सूचना पर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल में 100% वैक्सीनेटेड गांव जमुई में। उन्होंने यहां कहा कि जमुई गांव दुनिया भर के लिए मिसाल है। यह गांव अमेरिका और इंग्लैंड से भी आगे निकल गया। उन्होंने लोगों को 100% वैक्सीनेशन के लिए बधाई भी दी। होशंगाबाद जिले के चर्चित हनी ट्रैप गैंग मामले में शामिल कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर जय नलवाया को बर्खास्त कर दिया गया है। होशंगाबाद डीआईजी जेएस राजपूत ने गुरुवार को एसआई को बर्खास्त करने के आदेश दिए। 3 दिन पहले गैंग में 3 पुलिसकर्मियों को एसपी संतोष सिंह गौर बर्खास्त कर चुके हैं। 4 पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप है। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ग्वालियर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान मंच से गिर पड़े। उन्हें अंदरूनी चोट आई है। तोमर यहां हो रहे राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के एक कार्यक्रम में शामिल होने आए थे, उसी दौरान मंच से वो नीचे गिर पड़े। एमपी में सिनेमाघर, स्विमिंग पूल और कोचिंग क्लासेस फिलहाल बंद ही रहेंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार को कोरोना कर्फ्यू के प्रतिबंध 7 जुलाई तक बढ़ा दिए। प्रदेश में कोरोना नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। अब 7 जुलाई के बाद ही मंत्री समूह नाइट कर्फ्यू को हटाने या लागू रखने पर और सिनेमाघर, स्विमिंग पूल व कोचिंग क्लासेस को खोलने पर निर्णय किया जाएगा। कटनी में एक नवविवाहिता की आग से जलकर हुई मौत के मामले में पुलिस ने उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि 12 जून को युवती पर उसके प्रेमी ने केरोसिन डालकर माचिस से आग लगा दी थी और मौके से फरार हो गया था, जिसे पुलिस ने सतना जिले के मेहर से गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है।